क्या हमारी धरती बुध या मंगल ग्रह की तरह बन जाएगी? वह भी उम्मीद से ज़्यादा तेजी से होगा। एक नए रिसर्च में पता चला है कि धरती का केंद्र यानी गर्म मैग्मा वाला इलाका अपनी तय गति की तुलना से ज़्यादा तेज ठंडा हो रहा है, और अब वैज्ञानिक धरती के कोर और मेंटल के बीच मौजूद खनिजों की थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मीय चालकता की स्टडी कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा तेज़ी से कोर की गर्मी बाहरी परतों पर आएगी, धरती उतनी तेज़ी से केंद्र की गर्मी होती चली जाएगी। गर्मी गई तो धरती का चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण जैसी ताकतें खत्म हो जाएंगी। दरअसल ETH ज्यूरिख और कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के वैज्ञानिकों ने लैब में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्रिजमैनाइट नाम के खनिज पर अत्यधिक दबाव और गर्मी डाली। ब्रिजमैनाइट कोर और मेंटल के बीच की परत में पाया जाता है। इसके बाद उन्होंने ब्रिजमैनाइट की ऊष्मीय चालकता का अध्ययन किया। ETH ज्यूरिख के मुताबिक ब्रिजमैनाइट की ऊष्मीय चालकता उम्मीद से 1.5 गुना ज़्यादा थी। यह स्टडी हाल ही में अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स जनरल में प्रकाशित हुई है। इस स्टडी से वैज्ञानिकों को पता चला कि अब धरती की उत्पत्ति को लेकर उन्हें फिर से अध्ययन करना चाहिए, उसकी परतों को खंगालना चाहिए, क्योंकि धरती ठंडी हो रही है और उसका असर उन तरंगों पर पड़ रहा है जो धरती से निकलती हैं। क्योंकि अगर इसी तरह से धरती ठंडी होती चली गई तो यह बुध और मंगल ग्रह की तरह पथरीला ग्रह बन जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों को ये अभी नहीं पता चल पाया है कि धरती कितने सालों में मंगल ग्रह की तरह बन जाएगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह अलग तरह की तबाही होगी। चुंबकीय शक्ति खत्म होगी, गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा, वायुमंडल खत्म हो जाएगा और इंसान अंतरिक्ष में बहने लगेंगे। कुछ महीनों पहले एक स्टडी आई थी जिसके मुताबिक धरती का केंद्र यानी इनर कोर एक तरफ खिसक रहा है। माना जाता है कि धरती का इनर कोर लोहे का बना है जो कि बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, लेकिन ये एक तरफ ही फैल रहा है। इसकी स्टडी के लिए दुनिया भर के सीस्मोलॉजिस्ट, मिनरल फिजिसिस्ट और जियोडायनामिस्ट लगे हुए हैं। तीनों मिलकर भूकंपीय गतिविधि, भूकंपीय तरंगों और खनिजों के भौतिक विज्ञान का अध्ययन करके धरती के इनर कोर के व्यवहार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनको लगता है कि इससे वो इनर कोर की उम्र का पता लगा सकते हैं, साथ ही धरती के चुंबकीय शक्ति का इतिहास भी पता चलेगा। लेकिन इनर कोर के एक तरफ फैलने या विकसित होने से किस तरह की दिक्कत आएगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है। इसे ऐसे समझिए कि आपके फ्रिज के फ्रीज़र में एक तरफ ज़्यादा बर्फ़ जम जाए और दूसरी तरफ कम, यानी फ्रीज़र में एक तरफ ज़्यादा ठंड हो रही है, दूसरी तरफ कम। ठीक इसी तरह धरती का इनर कोर एक तरफ ज़्यादा तेज़ी से ठंडा हो रहा है, दूसरी तरफ कम। भविष्य में यानी करोड़ों सालों में धरती के एक हिस्से से चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। यह धरती के आधे हिस्से में प्रलय ला सकता है। इसका मतलब इंडोनेशिया समेत कई एशियाई देशों के ऊपर से गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म, GPS प्रणाली ठप, इंसान और जीव जंतु हवा में तैरते नजर आएंगे, धरती के एक तरफ का समुद्र दूसरी तरफ भागने लगेगा, एशिया में बारिश नहीं होगी, इस तरह की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन घबराइए नहीं, यह प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं होगी, इसमें अभी करोड़ों साल लगेंगे।